नमस्कार दोस्तों, कैरी करेंसीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर केयर एनसीएच को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और लाइक करें और वीडियो शेयर करें। हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आज पहला क्वेश्चन है आज का। इसका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? आपके सामने चार आसन दिखा रखे हैं। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने दिखा रखे हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा सी, यानी गुजरात में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की गुजरात में स्टेट में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की नींव किस वर्ष रखी गई थी? आपके सामने चार आंसर दिखा दिए हैं, 2013 में, 2014 या 2015, 2016 में। इसका सही आंसर होगा ए, यानी 2013 में नींव रखी गई थी इसकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित किस द्वीप पर है? इसका सही आंसर दिखा रखे हैं आपके सामने आलिया बेट द्वीप, या फिर मंददाता द्वीप, या फिर शिवपुरी द्वीप, या इसका साधु बेट द्वीप। इसका सही आंसर आपके सामने होगा डी, यानी साधु बेट द्वीप पे होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है आपके सामने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है? आपके सामने चार आंसर हैं, 192 मीटर या 607 फीट, बी में दिखा रखा है 182 मीटर या 597 फीट, सी में है 172 मीटर 587 फीट, या फिर डी में 162 मीटर 577 फीट होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर बी होगा, यानी 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंचाई है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की। ऊंचाई 182 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया है? इसके चार आंसर हैं राम किनकर बैज ने, या फिर अनिश कपूर, या राम सुतार ने, या इसका सही आंसर फिर इसका सतीश गुजराल। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी राम सुतार जी ने तैयार की है इसके डिजाइन का। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? इसके चार आंसर दिखा रखे हैं अपने स्टेट ग्रिड, या टाटा समूह, या लार्सन एंड ट्रूबो, या इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा लार्सन एंड ट्रूबो में। ठीक है, इसका नहीं सी आंसर सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में कितना खर्चा आया? आपके सामने चार आंसर दिखा रखे हैं, 2500 करोड़, या फिर 2989 करोड़, या 3990 करोड़, या 4500 करोड़। इसका टोटल खर्चा कितना रहा? इसका सही आंसर बी होगा, यानी 2989 करोड़ रुपए का खर्चा रहा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को कितनी दूर से देखा जा सकता है? यानी 12 किलोमीटर, या 15 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर, या 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ए, यानी 12 किलोमीटर की दूरी से हम देख सकते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को। टोटल 12 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? आपके सामने चार आंसर दिखा रखे हैं, 26 अक्टूबर 2018, या 30 अक्टूबर 2018, या 31 अक्टूबर 2018, या 1 नवंबर 2018। इसका सही आंसर सी होगा, यानी 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का। ठीक, हमारे नेक्स्ट वीडियो था, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।